हेलो दोस्तों मैं हूं श्वेता स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एस डब्लू टी बी कॉम क्लासेस में दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में शेयर किया हुआ है दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ना आगे आपकी मर्जी चलिए दोस्तों फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विथ फोर विथ्स फोर मेजर फैक्टर्स अर्थात दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स का अध्ययन है जो कि चार प्रमुख कारकों से संबंधित है पहला है हाउस होल्ड हाउस होल्ड्स फॉर्म्स गवर्नमेंट एंड डिपार्ट सप्लाई यानी कि घरेलू फर्म सरकारी तथा मांग पूर्ति नेक्स्ट है हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर्स यानी घरेलू फर्म सरकारी तथा वाह क्षेत्र नेक्स्ट है फॉर्म गवर्नमेंट फ्री मार्केट एंड रेगुलेशंस यानी फॉर्म घरेलू मुक्त बाजार तथा विनियमन यानी कि लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एवर दोस्तों इसमें से आंसर सेकंड है यानी कि ऑप्शन बी सही है हाउस होल्ड फॉर्म गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू पे डिफ्लेशनरी गैप सोज द मेजरमेंट ऑफ मतलब डिफ्लेशनरी गैप की माप को दर्शाता है फर्स्ट ऑप्शन है डेफिसिट डिमांड नेक्स्ट ऑप्शन है सरप्लस डिमांड थर्ड ऑप्शन है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए है यानी कि डेफिसिट डिमांड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री मिस्टर स्कंद कुमार वॉन्ट्स टू स्टडी द नेशनल इनकम विच ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स विल बी हैव टू स्टडी मतलब जो मिस्टर स्कंद कुमार हैं वो नेशनल इनकम की पढ़ना चाहते हैं तो उनको अर्थशास्त्र की किस शाखा में अध्ययन करना होगा पहला ऑप्शन है दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइस थ्योरी एंड थर्ड ऑप्शन है फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन लास्ट ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी है माइक्रो इकोनॉमिक्स तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो ये वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स होती है जो एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करता है यानी कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को प्राइस लेवल को सो इसका आंसर ऑप्शन डी है नेक्स्ट क्वेश्चन है कीन्स डिराइव्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फ्रॉम यानी कि कीन्स ने डिराइव किया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑप्शन फर्स्ट है दोस्तों इनकम मल्टीप्लायर नेक्स्ट है कंजम्पशन मल्टीप्लायर थर्ड है इम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर लास्ट है नन ऑफ दी दब दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी है इम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर नेक्स्ट क्वेश्चन है एम पी सी इज यानी कि एम पी सी की वैल्यू क्या है इसमें से एम पी सी का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फर्स्ट ऑप्शन है वन नेक्स्ट ऑप्शन है जीरो थर्ड ऑप्शन है ग्रेटर देन ज़ीरो बट लेस देन वन यानी कि ज़ीरो से बड़ा और वन से छोटा नेक्स्ट है टू दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी है यानी कि ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन ज़ीरो से बड़ा और वन से छोटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है इफ़ एम पी सी इज़ जीरो पॉइंट फाइव दैन मल्टीप्लायर विल बी यानी कि अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें जीरो पॉइंट फाइव दे रखा है तो हमको इसमें मल्टीप्लायर फाइंड करना है मल्टीप्लायर दोस्तों के के फॉर्म में डोनेट किया जाता है पहले मैं बताना चाहूँगी रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एम दोस्तों डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है मल्टीप्लायर और एम के बीच में अगर एम की वैल्यू हाई होती है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हायर होती है और वाइस वर्सा दोस्तों मल्टीप्लायर uh, का जो फॉर्मूला होता है एम के लिए वो होता है के इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एम तो आप फाइंड कर सकते हैं अगर वन अपॉन वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव करें तो वन अपॉन जीरो पॉइंट फाइव आएगा इज इक्वल टू आप अगर कैलकुलेशन करते हैं तो टू निकलेगा आंसर तो इसका आंसर ऑप्शन सी है यानी कि टू द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर वॉज प्रोपाउंडेड बाय यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर की जो, जो थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है फर्स्ट ऑप्शन है किन्स नेक्स्ट ऑप्शन है खान एंड थर्ड ऑप्शन है हंसन एंड लास्ट ऑप्शन है मार्शल दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है यानी कि खान ये थ्योरी ऑफ इम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इन्हीं के द्वारा प्रस्तावित की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन की इकोनॉमिक्स द स्टेट ऑफ डेफिसिट डिमांड इज कॉल्ड इनके इकोनॉमिक्स में डेफिसिट डिमांड को क्या कहते हैं फर्स्ट ऑप्शन है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्लिब्रियम नेक्स्ट ऑप्शन है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्लिब्रियम थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिये वर्क दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी है यानी कि अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्लिब्रियम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन द डिफ्रेंस बिटवीन द एग्रगेट डिमांड एट अब फुल इम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल इम्प्लॉयमेंट इज नोन एज यानी कि एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट में जो डिफरेंस होता है उनके बीच उसको हम क्या कहते हैं किस नाम से जानते हैं फर्स्ट ऑप्शन है इन्फ्लेशनरी गैप नेक्स्ट ऑप्शन है डिफ्लेशनरी गैप थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी अब दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए है यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप दोस्तों इन्फ्लेशनरी गैप जो होता है वो एक्सेस डिमांड के साइज़ को मेजर करता है कॉजेज़ आप जान सकते हैं इन्फ्लेशनरी गैप के कि इन्वेस्टमेंट डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाना कंजुमशन डिमांड में इंक्रीज हो जाना एक्सपोर्ट डिमांड में इंक्रीज़ हो जाना और एटसेट्रा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन टेन विच वन इज द करेक्टिव मेजर्स फॉर डेफिशिएंट डिमांड इसमें से डेफिशियंट डिमांड का करेक्टिव मेजर्स कौन से हैं फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल मेजर्स नेक्स्ट ऑप्शन है मॉनेटरी मेजर्स थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिबॉ इसका आंसर सी ऑप्शन है यानी कि बोथ ए एंड बी फिजिकल मेजर्स एंड मॉनेटरी मेजर्स दोस्तों जो मॉनेटरी मेजर्स होता है अगर एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन में जो आर बी आई होती है वो बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती है ये गवर्नमेंट की वो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जो करेंसी और क्रेडिट मनी से रिलेटेड होती है uh, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जैसे कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दोस्तों और नेक्स्ट है फिजिकल मेजर्स आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर अलेवन पे इन सिचुएशन ऑफ द डिफ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप के सिचुएशन में फर्स्ट ऑप्शन है डिमांड इंक्रीजेज रैपिडली नेक्स्ट ऑप्शन है सप्लाई इंक्रीजेज रेपिडली थर्ड ऑप्शन है बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज यानी कि ये तीनों लाइक करता है डिफ्लेशनरी गैप के सिचुएशन में दोस्तों काजेज ऑफ डिफ्लेशनरी गैप क्या होती हैं ये इन्वेस्टमेंट डिमांड के डिक्रीज होने पर पब्लिक एक्सपेंडिचर के डिक्रीज होना एक्सपोर्ट डिमांड का डिक्रीज होना ये सब कॉजेज हैं इनके डिफ्लेशनरी गैप जो होता है वो डेफिसिट डिमांड के साइज को मेजर करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वॉट इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल इकनॉमिक प्रॉब्लम मुख्य कारण क्या है इकनॉमिक प्रॉब्लम्स की फर्स्ट ऑप्शन है अबंडेंस नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वीनियंस थर्ड ऑप्शन स्कार सिटी एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज दोस्तों ये तो ईजी है क्वेश्चन आप सब कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर बता देती हूँ ऑप्शन सी इसका आंसर है स्कॉ सिटी यानी दोस्तों जब भी रिसोर्सेज की कमी होती है यानी जब भी कभी कुछ भी चीज़ की कमी होती है जैसे कि रिसोर्सेज लाइक लेबर की लैंड की कैपिटल की ये सब की कमी होती है यानी कि ये इनसफिशियंट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू डिमांड तब इकनॉमिक प्रॉब्लम अराइज़ होती है नेक्स्ट कॉज मैं आपको बताना चाहूँगी अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स यानी कि हम जैसा कि जानते हैं ह्यूमन बींग्स की जो डिमांड होती हैं और इच्छाएँ होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं और कभी भी एंड नहीं होती हैं उसका जिसका मतलब होता है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन आइए चलते हैं वॉट इज़ नोन एज दी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स दोस्तों वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि माइक्रो इकनॉमिक्स है लेकिन फिर भी आपको पता तो होना चाहिए कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स को क्या कहते हैं किस में आएगा ये माइक्रो में या माइक्रो में या फिर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में या फिर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी है माइक्रो इकोनॉमिक्स जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं दोस्तों तो ये वो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करता है जैसे कि डिमांड सप्लाई प्राइस ये सब चीज़ों की और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एग्रीगेट्स इज नोन एज यानी कि समुच्चय का अध्ययन को क्या कहते हैं फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स नेक्स्ट ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स थर्ड ऑप्शन है प्राइस थियरी एंड लास्ट ऑप्शन है फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स होती है जो स्टडी करती है एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स को जैसे कि एग्रीगेट डिमांड हो गई एग्रीगेट सप्लाई हो गई प्राइस लेवल हो गया तो आप इसका आंसर गेस कर सकते हैं कि ऑप्शन क्या होगा ए इसका आंसर ऑप्शन ए है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वट इज़ द नेम ऑफ द बुक जे एम कीन्स वो बुक कौन सी है जो जे एम किन्स ने लिखी है जे एम किन्स यानी जॉन मेनार्ड कीन्स दोस्तों ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ चलिए फिर से करा देती हूँ एक बार रिवीज़न हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है वेल्थ ऑफ नेशन नेक्स्ट ऑप्शन है पॉलिटिकल इकोनॉमी थर्ड ऑप्शन है द जनरल थियोरी ऑफ इंप्लायमेंट इंटरेस्ट एंड मनी एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी जनरल थियोरी ऑफ इंप्लायमेंट इंटरेस्ट एंड मनी यानी कि ऑप्शन सी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वेन वॉज द फेमस बुक ऑफ प्रोफेसर कीन्स पब्लिसड यानी कि कब प्रोफेसर कीन्स की बुक पब्लिस्ड हुई थी यानी कि प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स की बात हो रही है फर्स्ट ऑप्शन है 1930 नेक्स्ट ऑप्शन है 1931 थर्ड ऑप्शन है 1936 एंड लास्ट ऑप्शन है 1940 दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी है यानी कि 1936 कौन सी बुक हुई थी जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन वेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन अकार ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ फर्स्ट ऑप्शन है नाइनटीन ट्वेंटी नाइन टू थर्टी नेक्स्ट ऑप्शन है नाइनटीन थर्टी फोर टू थर्टी फाइव थर्ड ऑप्शन है नाइनटीन थर्टी एट टू थर्टी नाइन एंड लास्ट ऑप्शन है नाइनटीन फोर्टी वन टू फोर्टी टू दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए है यानी कि नाइनटीन ट्वेंटी नाइन टू थर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन है जी एन पी एट एम पी दोस्तों यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है आइए जानते हैं फर्स्ट ऑप्शन है जी डी पी एम पी माइनस एप्रिसिएशन नेक्स्ट ऑप्शन है जीडीपीएमपी प्लस डेप्रिसिएशन थर्ड ऑप्शन है जीडीपीएमपी डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन एंड लास्ट ऑप्शन है जीडीपीएमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी है यानी कि जीडीपीएमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दोस्तों ग्रॉस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का एक और फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ एन डी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे। क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है एन डी पी एम पी का फॉर्मूला क्या होता है यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑप्शन है जी डी पी एम पी माइनस डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ऑप्शन है जी डी पी एफ सी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड थर्ड ऑप्शन है एन एन पी एफ सी प्लस नेट फै नेट इन डायरेक्ट टैक्सेज एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ़ दिस दोस्तों ये थोड़ा टाइप करने में ये आ गया है वैसे नहीं तो आप वही समझिएगा जी डी पी एट एम पी वैसे करके दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए है यानी कि जी डी पी एट एम पी माइनस डेप्रिसिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एन डी पी एट एफ सी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑप्शन है जीडीपीएमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेक्स्ट ऑप्शन है जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एन एफ आई ए थर्ड ऑप्शन है जी डी जी एन पी एम पी माइनस डेप्रिसिएशन एंड लास्ट ऑप्शन है जी डी पी एम पी माइनस एन आई टी माइनस डेप्रिसिएशन दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी है यानी कि जी डी पी एम पी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि ऑप्शन डी सही है दोस्तों इसका एक और फार्मूला मैं बता दूँ एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट का दूसरा होता है जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एन एन पी एम पी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है जी एन पी एम पी माइनस डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ऑप्शन है एनडीपी एम पी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड थर्ड ऑप्शन है एन एन पी एफ सी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए है यानी कि जी एन पी एम पी माइनस डेप्रिसिएशन दोस्तों इसका एक और आंसर मैं आपको बता दूं जी डी पी एम पी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एन एफ आई ए कन्फ्यूज ना होइएगा ये, ये दूसरा फॉर्मूला था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच ऑफ़ दि फॉलोइंग इज द मैथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इसमें से कौन सा वो मैथड है जिससे नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है फर्स्ट ऑप्शन है इनकम मैथड नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट मैथड थर्ड ऑप्शन है एक्सपेंडिचर मैथड एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी है यानी कि ऑल ऑफ दीज ये तीनों मैथड से मेजर किया जाता है नेशनल इनकम को क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है वाई आर दी इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम वाइल मेजरिंग नेशनल इनकम जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं नेशनल इनकम में जब हम नेशनल इनकम मेजर कर रहे होते हैं ऐसा क्यों फर्स्ट ऑप्शन है टू अवॉइड डबल अकाउंटिंग नेक्स्ट ऑप्शन है इट डिक्रीज इनकम थर्ड ऑप्शन है इंटरमीडिएट गड्स आर नॉट गुड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है इंटरमीडिएट Inter गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल और कोई भी फर्म परचेज करती है रीसेल करने के लिए उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं जैसे कि example, एक फॉर एग्जाम्पल एक फर्म ने शर्ट परचेज की रीसेल करने के लिए दोस्तों चलिए क्वेश्चन पे आते हैं इसका आंसर ऑप्शन ए है यानी कि टू अवॉइड डबल अकाउंटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है हु हैड मेड दर्स्ट अटैम्प्ट एट नेशनल इनक किसने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में फर्स्ट अटैम्प्ट किया था यानी फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफेसर डी आर गैडगिल नेक्स्ट ऑप्शन है साइमन कुजनेट्स एंड थर्ड ऑप्शन है जे एम कीन्स एंड लास्ट ऑप्शन है ग्रेगरी किंग दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी है ग्रेगरी किंग आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पे अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस इज नोन एज यानी कि काउंटिंग करना नेशनल इनकम की कॉन्स्टेंट प्राइस पे उसको क्या कहते हैं कौन से इनकम कहते हैं फर्स्ट है मनी इनकम नेक्स्ट है रियल इनकम थर्ड है करेंट इनकम एंड लास्ट है डोमेस्टिक इनकम इसका आंसर ऑप्शन बी है यानी कि रियल इनकम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है विच ऑफ़ द फॉलोइंग आइटम्स आर एक्सक्लूडेड फ्राम जी एन पी मेजरमेंट जी एन पी मेजरमेंट में कौन से वो आइटम्स हैं जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है फर्स्ट है प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ यूज गुड्स एंड नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज थर्ड है इ लीगल एक्टिविटीज़ एंड द वैल्यू ऑफ लेजर एंड लास्ट है ऑल ऑफ दिस दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी है यानी कि ऑल ऑफ दीस ये सारे एक्सक्लूडेड होते हैं जी एन पी मेजरमेंट में आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पे द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन में इसमें से कौन सा लेंगे यानी फर्स्ट ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम नेक्स्ट ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर एंड थर्ड ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए है यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पर आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा इंप्लायमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू एम्प्लायमेंट थ्योरी इसमें से किस इकनॉमिक्स से रिलेटेड है फर्स्ट है स्टैटिक इकोनॉमिक्स नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड थर्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड लास्ट है नन ऑफ दीव दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी है यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द क्लासिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एजम्पन ऑफ क्लासिकल थ्योरी इसमें से किस पर बेस्ड है किस एजम्पन पर बेस्ड है आइए जानते हैं फर्स्ट ऑप्शन है सिज द लॉ ऑफ मार्केट नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी इन वेज रेट एंड थर्ड ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरेस्ट रेट्स लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी दर्ब दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी है यानी कि ऑल ऑफ दी दर्ब आई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्टी पे दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है देखते हैं क्वेश्चन सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाई द इकनॉमिस्ट यानी कि सप्लाई क्रिएट क्रिएट इट्स ओन डिमांड ये स्टेटमेंट किस इकोनॉमिस्ट द्वारा दी गई है फर्स्ट ऑप्शन है कीन्स नेक्स्ट ऑप्शन है पिगो एंड थर्ड ऑप्शन है जे बी से एंड लास्ट ऑप्शन है एडम स्मिथ दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी है यानी कि जे बी से आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कोई भी इश्यू हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी थैंक यू फॉर लिसनिंग मी फ्रेंड्स